तो जी आज की वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं देहरादून की सबसे फेमस दून बेकर्स वालों के यहाँ पे, जो कि देहरादून की सबसे पुरानी बेकरी है। तो आपको दिखा देते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर सभी आइटम्स को अपनी ही बेकरी में बनता है। चलते हैं सबसे पहले अंकल जी से। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी, कैसे हैं? बहुत अच्छे जी। तो कुछ बताएंगे अपनी दून बेकर्स के बारे में, कब से शुरुआत करी, कैसे क्या आया दिमाग में जो आपने बेकरी ओपन कर दी और देहरादून को अपने बेकर्स का सामान खिला के दीवाना बना लिया अपना? देहरादून की बेकरी तो पहले से ही फेमस है पूरे इंडिया में जो है, और यहाँ की हमारे यहाँ की स्टिक जो टॉफी है इस टाइप की, हमारे यहाँ का बटर पिस्ता बिस्कुट है, सूजी का मिल्क रस है। ये देखो जी, सूजी का मिल्क रस, अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल क्रंची करारेदार है और देखने में ऐसा लग रहा है कि ये बन है। और नाश्ते में कोई भी खा लो, इजीली हजम हो जाता है। ये एक देखो जी, क्या बात है, मतलब इतने बढ़िया बढ़िया आइटम्स, ये सभी आइटम अपने बेकरी में बनते हैं। हम बनाते हैं, ये बटर पिस्ता बिस्किट है। ये देखो जी बटर पिस्ता बिस्किट है जो की अपनी बेकरी में बनता है। सूजी से बनाया जाता है ये? नहीं, ये मैदे में बनता है, लेकिन मक्खन में और ड्राई फ्रूट में होता है। क्या बात है, ये टॉफियां वगैरह है। अरे वाह, ये टॉफियां है, स्टिक जो टॉफी, स्टिक टॉफी है, फेमस टॉफी है। अरे वाह, ये देहरादून की फेमस दुकानों पे मिलेगी। आटा बिस्किट रोल्स मिल जाएंगे जो कि चॉकलेट रोल है, इसके अंदर चॉकलेट है, क्या क्रीम रोल है। एगलेस पेस्ट्री भी हमारे यहाँ की फेमस है। एगलेस पेस्ट्री से पहले यहाँ पे आपको नमकीन दिखा दिया जाएगा, अलग अलग वेरायटी की आपको यहाँ पर नमकीन भी देखने को मिल जाएगी। एगलेस पेस्ट्रीज भी मिल जाएंगी, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं, ट्रफल फैंटेसी, पाइन एप्पल, ब्लैक फॉरेस्ट, चीज पिज्जा, सैंडविचेस, बर्गर, बटर स्कॉच, रेड वेलवेट, इतनी सारी आपको यहाँ पर पेस्ट्रीज भी मिल जाएंगी, वो भी एगलेस पेस्ट्रीज। और इसके साथ ही यहाँ पर आपको टोस्ट मिल जाएगा, कोकोनट बादाम खटाई, स्टिक जॉस ट्रॉफीज मिल जाएंगी, चीज रोल्स करी मिल जाएगी। और भाई आप लोग देख ही सकते हैं, काफी हैवी हैवी आइटम, मतलब ये सभी आइटम ना बल्क में बनाए जाते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं। तो भाई देहरादून तो अपने बेकरी के लिए शुरू से ही फेमस है। यहाँ पे कुल्हड़ पे लस्सी भी मिल जाएगी, और इसके साथ ही ये, अच्छा ये क्या आइटम है, बड़ा हल्का आइटम है, मखाने, भुना हुआ गेहूँ, वाओ, और बहुत ही लाइट है कि अगर आप इसको नॉर्मल भी खाएंगे तो बहुत ही सही लगेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये सभी स्नैक्स देखने को मिल जाएंगे, टोस्ट भी मिल जाएगा, तो बहुत कुछ है भाई। तो ये है दून बेकरी देहरादून की सबसे फेमस। लगभग कितने साल हो गए अपनी दुकान को? बेटे मैं काम कर रहा हूँ 1970 से, लेकिन मैं सेल्फ मेड जो अपने भाइयों से अलग होकर के करीब 27 साल से 96 से मैंने अपनी ये दुकान ओपन करी। क्या बात है। तो अंकल जी, अगर किसी को ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं, किसी को अगर घर पे मंगाना है तो ऑनलाइन जाता है? ऑनलाइन भी जाता है, जरा नंबर तो बता दीजिए आप। तो यहाँ पे आप लोग एक बार वीडियो को ना जूम करके भी देख सकते हैं दोस्तों, ये नंबर है वरुण गुप्ता जी के नाम से, राजा राम गुप्ता जी के नाम से। तो भाई आप यहाँ से इनको ऑनलाइन बुक ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम भी कुछ ट्राई करके बताते हैं कि इनका वाकई में टेस्ट कैसा है। ये देखो जी, ये टॉफी है अपनी देहरादून की, जो कि किस चीज से बनती है ये टॉफी? ये बटर और ग्लूकोज से बनती है, लिक्विड बटर, ग्लूकोज और बटर। ग्लूकोज और बटर, हाँ जी। ये देखो जी, तो चलिए खाकर भी देख लेते हैं। ये ओरिगेनो वगैरह तो नहीं चाहिए टेस्ट बढ़ाने के लिए? ओरिगेनो चिली करते हैं भाई, बहुत टेस्टी है, मतलब अच्छा लग रहा है ना, ये दूध का जो क्रीम होता है ना, बिल्कुल वो वाला टेस्ट आ रहा है। कॉफी का क्या प्राइस होता है ये बेटे? 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम और 400 ग्राम के पैकेट। अच्छा अच्छा, पैकेट के हिसाब से होता है। और 900 रुपए किलो है। 900 रुपए किलो आपको ये टॉफी खाने को मिलेगी, क्या बात है। तो भाई बहुत ज़्यादा टेस्टी है, इसके अलावा मैं और क्या ट्राई करती हूँ वही बताती हूँ। और दोस्तों ये है यहाँ की स्पेशल वेजिटेबल आलू पैटीज, ओनली 20 रुपीज में आपको ये पैटीज मिल जाएगी। इसकी क्या खासियत है चलिए देखते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे जब से बैठी हूँ तब से लेकर कम से कम कई सारे कस्टमर्स ने आलू पैटीज यहाँ पे पसंद करी, तो हम भी देख कर बताएंगे, खाएंगे कि इसका स्वाद कैसा है। तो ये देखो जी, आलू मिक्स पैटीज है ये, 20 रुपीज में आपको ये पैटीज मिल जाएगी, बहुत ही स्पंजी है। तो भाई खाकर भी देखते हैं, बहुत ही क्रिस्पी करारे पैटीज भी रेडी हो चुकी है, ट्राई करते हैं अपने कैचअप के साथ में। ये देखो जी, बहुत टेस्टी, आप मालूम पड़ा मुझे आखिर में बहुत ज़्यादा टेस्टी है।
मैं चाहती हूँ पूरी प्रोड्यूस को फिनिश करने के लिए, और उसके बाद दिखाऊंगी यहाँ की स्पेशल ड्राई फ्रूट वाली लस्सी कैसी। यहाँ पर मैंने अपने लिए बढ़िया सी मलाई वाली लस्सी मंगा ली है, और जिसका प्राइस है ओनली 50 रुपीज़। और आप लोग देख ही सकते हैं भाई, एक बार आपको लस्सी चेकआउट करा देती हूँ। ये देखो क्या लाजवाब लग रही है ना, मतलब एकदम बढ़िया सी मलाई वाली लस्सी, आप लोग देख ही सकते हैं। देखो जी, चलिए हम भी ट्राई करके देखते हैं कि इस लस्सी का स्वाद कैसा है। सबसे पहले लेकर देखते हैं फर्स्ट बाइट, और एक बार आप लोग देख ही सकते हैं, वाओ क्या लग रहा है भाई साहब। देखो इट्स सुपर क्रीमी, डिलीशियस, रिफ्रेशिंग, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। दोस्तों आपको एक बात और बताना चाहूँगी, ये जो लस्सी है ना, कि इसमें इतने सारा ड्राई फ्रूट्स है ना, कि मतलब मैं जब भी मुँह पे एक बाइट ले रही हूँ ना भाई, ड्राई फ्रूट आ रहा है मुँह में। बेसिकली ना लस्सी आपको हर जगह पीने को मिल जाएगी। अंकल जी खुद बनाते हैं जो कि ओनर है, और इसमें बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट डाले गए हैं, मतलब मुँह में जाते जैसे जाता है ना अंदर, तुरंत ड्राई फ्रूट आ जाता है, ये इतना सारा टेस्ट है। सो गाइस मस्ट ट्राई, लस्सी जरूर ट्राई करना आप। ओनली 50 रुपीज में आपको ये मिल जाएगा देहरादून में पल्टन बाजार, मॉर्निंग 7 to 9। और आप लोग कभी भी देहरादून अगर विजिट कर रहे हैं तो दून बेकर्स पे जरूर आना। और भाई यहाँ पे जो आइटम्स आपको मिलेंगे ना, वो ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलने वाले। इसके अलावा दून बेकर्स के पास ना बहुत ही बढ़िया यहाँ के स्नैक्स है, दून टोस्ट है, दून रस्क है, पूरे इंडिया में आपको, और देहरादून के अलावा आपको और कहीं नहीं मिलेगा। इसके अलावा देहरादून अपने बेकरी के लिए है बेहद फेमस। सो गाइस आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे किसी नए प्लेस में नए खाने तक, तब तक के लिए बाय।